वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चिकन हैदराबादी दम बिरयानी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, हमारे पास यहाँ एक बड़ा सा वॉक है। सबसे पहले हम इसको ऑन कर देते हैं। चूल्हे को मीडियम हाई पे हम रखते हैं। बड़ा डिफरेंट किस्म का हम तरीका रखेंगे लेकिन झटपट और ज़बरदस्त सा। तो देखें, इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। ये हमारा 3 टेबलस्पून तेल चला गया और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी बगैर तो बिरयानी ये बन नहीं सकती, लेकिन हमने हाफ एंड हाफ किया। आप चाहें तो सिर्फ घी से ही बना लें। चले, ये हो गया हमारा। अब इसको घी को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। तो चले, अब इसमें हम डाल देते हैं 3 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले, जो कि कुछ यूं है कि 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 3 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 3 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, अच्छा रंग आएगा इससे, 3 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी। ये चला गया। इसको अब हम भूनेंगे और अब ये भूनते भूनते हम कुछ मसाले पीस लेंगे, जो कि हैदराबादी बिरयानी के लिए बिरयानी मसाला होगा। तो ये यहाँ भुन रहा है और यहाँ देखें हमारे पास कुछ मसाले, 2-3 छोटे बड़े मिला के तेज पत्ते, 1 बादियान, 2 टीस्पून छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून लौंगे, 1 फूल जावित्री का, 1/4 जायफल और 1 टीस्पून भर के काला ज़ीरा। तो ये बेसिकली हम अपने मशीन में डालेंगे और इसको पाउडर बना लेंगे। ये देखें हमारा अच्छा सा पाउडर बन गया है। ये देखें, अब इसको हम 75% डाल देंगे और 1 टीस्पून के आसपास दम के लिए बचा के रखेंगे। अच्छा, देखें ये तो बड़ा अच्छा सा हमारा मसाला भुन रहा है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं, 1-2 टेबलस्पून, और इसको भून लेते हैं। चले, ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दही और उसको भून लेंगे। तो दही को पहले अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, जब दही अच्छे से मिल जाए एक पोर्शन में, तब हम अच्छे से सारे मसाले को मिला लेंगे। ये देखें, देखें हमारे पास तली हुई प्याज है 1 कप। अगर आपके पास फ्राइड अनियन ना हो, तली हुई प्याज ना हो, तो 2 मीडियम इतनी बड़ी साइज की या 2 लार्ज फ्राई कर ले। आधी हम इसमें डाल देंगे अभी और आधी हम रखेंगे अपने तह, जब लगाएंगे ना तब डालेंगे। और अगर आपने मेरी तली हुई प्याज की वीडियो ना देखी हो तो देखिएगा, इतना इंटरेस्टिंग है। उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, बनाइएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। चले, अब ये जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, जब तक हम कुछ हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, नींबू, ये सब काट लेते हैं। चले, मसाला भी देखते जा रहे हैं। देखें कितना अच्छा सा भुन रहा है, कितना खुश खुश है। चले, अब कुछ हरी मिर्चें काट लेते हैं इसमें। चले, थोड़ी हरी मिर्चें, ये जो 2 हमने काटी है, ये डाल देते हैं हमारे मसाले में। और इसमें हम डाल देंगे 1 नींबू। कितना जूसी ये, देखें।
पूरा डाल देंगे, एक आधा ये डाला था आधा और भी डाल देंगे, लेकिन जब आधा डालेंगे तो उसके ऊपर हम आधा छिलका ये रख देंगे ताकि उसका भी रस निकल आए। देखा है ना, ज़्यादा निकला ना, चालाकी, इसको कहते हैं चालाकी। बस अब इसे हम एक आध मिनट और भूनेंगे और हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। ज़बरदस्त सा खुशबूएं तो अभी से ख़तरनाक आ रही है। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया और अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और मसाले को 4 से 5 मिनट तक ठंडा होने देते हैं, फिर मिलते हैं 4-5 मिनट में। देखिए हमारा मसाला जो है वो ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है, तो अब हम अपनी चिकन इसमें डाल देते हैं। हमारे पास होल चिकन है 4 पाउंड यानी 2 किलो के आसपास, तो ये अब चली गई इसमें। ये इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। देखिए हमने ऑलमोस्ट इसे अच्छे से मिला लिए और अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ हमारे पास 1/4 कप के आसपास दूध में हमने 1/2 टीस्पून ज़ैफ़रान डाला और 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग डाला क्योंकि मुझे थोड़ा गहरा चाहिए था, तो ये दोनों मिला के गर्म दूध में मिक्स कर लिया था, तो इसको मैं अब डालूँगी इसमें 2 टेबल स्पून। चलें अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, हमने हरा धनिया और पुदीना काटा था लेकिन डाला नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा डाल देंगे इसमें, तकरीबन 2 टेबल स्पून के आसपास हम डाल देंगे पुदीना और 2 टेबल स्पून डाल देंगे धनिया। और अब इसमें हम डाल देंगे कुछ कतरे केवड़ा के। चलिए देखिए हमने 2-3 बूंदें डाली है, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें, लेकिन डालेंगे तो ज़ाहिर है खुशबूदार मज़ेदार बनेगी। तो चले अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। चले ये हमारा मैरिनेशन रेडी है, अब आप पर है, आप चाहें तो मिनिमम 1 घंटा इसको मैरिनेट करके रख लें और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट कर लें, अगले रोज़ करके रख लें और फिर आराम से रेडी है हमारा, और 2-3 घंटे भी कर सकते हैं। बेसिकली हमने भुन भुना दिया मसाला, उसमें मैरिनेट कर दी चिकन, अब चिकन जाने मसाला जाने, हमने तो अपना सारा काम कर दिया। तो बस अब इसको हम कवर करते हैं और मिलते हैं 1 घंटे में। देखिए 1 घंटा हो गया, यहाँ हमने पानी उबालने के लिए रख दिया, 18 कप हमने पानी लिया है और उसमें अब हम डालेंगे 5 टीस्पून नमक, हिला लेते हैं, और इसमें अब हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून तेल। अगर आप घी डालना चाहें तो आप घी डाल लें, 1-2 टेबलस्पून जितना आपका दिल चाहता है, तो ये अब हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून। ये हमारा चला गया 2 टेबलस्पून। इसमें हम डालेंगे कुछ गरम मसाले खड़े, 3 तेज़ पत्ते छोटे बड़े मिला के, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री, 5 इलायचियाँ, 3-4 लौंगे और 8-10 दाने काली मिर्च के। तो ये चला गया इसमें। और अब इसमें हम डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें, 3 हरी मिर्च डाल देंगे जिसमें से 1 को तोड़ देते हैं कि ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आए अच्छा सा, और 2 इसी तरह डाल देंगे। तो अब हम इसको कवर करते हैं, एक बॉइल्ड अच्छा सा आ जाएगा, तब हम चावल डालेंगे। और चावल हमारे यहाँ पड़े हुए जो कि 5 कप है, सेला है और हमने इसे 3-4 घंटे पहले भिगो दिया था। आप चाहे तो सेला यूज़ करें, आप चाहे तो बासमती यूज़ करें। बासमती अगर यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का लें और उसको 1.5 घंटे पहले भिगो दें, लेकिन अगर सेला ले रहे हैं तो 3-4 घंटे पहले आपको भिगोना ज़रूरी है। तो चले बस इसका एक बॉइल्ड आता है, जब तक हम अपने चिकन पे जम मारते हैं। देखें हम इसे देग में बनाएंगे। तो देखें हमारे पास यहाँ एक क्यूटी सी देग है। सबसे पहले इस क्यूटी सी देग में हम 2-3 टेबलस्पून घी डाल देते हैं और इसमें अब हम डाल देंगे अपना चिकन जो हमने मसाला चढ़ा के रखा था। बस इसे हम पैंदे में अच्छे से फैला देंगे, सिंगल लेयर में। सिंगल लेयर में होगा तो हमारी रॉ है ना चिकन, कच्ची है ना, तो इवनली अच्छे से पक जाएगी। देखें यहाँ हमारा पानी शदीद तरीन उबल रहा है, तो हम अब इस पे जंप मारते हैं। चले ये तो अच्छे से चले गए। अब इसे हमें आय रखनी है
हमें इसे 50% पकाना है। तो बस ये लगेंगे कोई 7 मिनट के आसपास लगेंगे 50% पकाने में, 5 से 7 मिनट, 5 मिनट में भी नज़र रखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल मोमेंट है। क्योंकि अगर ये रुइंड हो गया तब हमारी बिरयानी के जो चिकन है वो कच्ची है, और ये ओवर कुक्ड हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसको आधा पकाएंगे और वो जो है वो मैरिनेटेड है, ज़बरदस्त मज़ा से आ जाएगा। कुछ कतरे केवड़े के डालेंगे, जैसे हमने 4 कतरे डाल दिए। इसमें हम आधा टीस्पून रोज़ वाटर डाल देते हैं। शाही डिश है भाई, इसमें खुशबुएं होना ज़रूरी है। चले इसको हम हिला लेते हैं और देख लेते हैं चावलों की क्या कंडीशन है। बस ये 50% हमारे चावल हो गए हैं, तो अब हम इसको चूल्हे को बंद करते हैं और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। चले चावल हमारे स्ट्रेन हो गए, चिकन हमने पैंदे में डाल दिए, अब बस अब क्या है, अब तो लेयरिंग करेंगे मज़े से। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे 1 टेबलस्पून इस पे चिकन पे। ये गरम मसाला जो हमने पीस के रखा था, थोड़ा सा चुटकी भर, थोड़ी सी प्याज डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डालेंगे, जर्दे का रंग डालेंगे और वो जो हमने ज़ाफ़रान भिगो के रखा था साथ। अब इसके ऊपर हम चावल डालेंगे, इसको हम बराबर करेंगे चावलों को। अब इसमें हम डालेंगे जर्दे का रंग दोबारा और वही हरा धनिया पुदीना, हर चीज़ की लेयर बनाते जाएंगे। थोड़ी प्याज, चले अब ये सारे चावल डाल देते हैं। अब इसको बराबर कर लेंगे और जो भी हमारा बचा है सब डाल देंगे इसमें। प्याज सबसे ज़्यादा हमने रखी है टॉप पे डालने के लिए, हर लेयर में डालिए लेकिन थोड़ा टॉप पे ज़्यादा होगी ताकि चावलों में बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। और ये गरम मसाला छिड़क देंगे। अब सारा डाल देंगे ज़ाफ़रान और जर्दे का रंग। अब इस पे डाल देंगे हम 3-4 टेबलस्पून घी, आधा नींबू निचोड़ देंगे। ये यूं हम डालते हैं मज़े से, ये देखें देखें हमने ज़बरदस्त सा नींबू छिड़क दिया। और अब आप चाहें तो इसके ऊपर कपड़ा डाल लें, आप चाहें तो आटे से आसपास लगा दें ताकि स्टीम बाहर नहीं आए। और मैं आजकल के मॉडर्न हिसाब से और इजी हिसाब से फॉइल लगा रही हूँ, तो बस फॉइल रखेंगे। चले अच्छे से फॉइल कर दिया और अब इस पर हमने ढकना लगा दिया और अब चूल्हे को ऑन करेंगे हाई पे। हाई पे करने के बाद इसको हम 5 मिनट्स के लिए हाई पे रख देंगे यहाँ, और इसी के बराबर में एक चूल्हे पे हम तवा रख देंगे, तवे को गरम करेंगे। 5 मिनट तवा गरम होगा, 5 मिनट ये हीट अप होगा, हमारा पतीला अंदर से गर्म गर्म होगा, तब हम इसको इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अभी बिना तवे के 5 मिनट ये इस तरह रहेगा, तो मिलते हैं 5 मिनट में। देखिए 5 मिनट हो गई है, अब हमने 5 मिनट क्यों रखा था हाई हीट पे, ताकि हीट कलेक्ट हो जाए अंदर। तो अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं और यहाँ हमारा तवा भी बड़ा ज़बरदस्त सा गर्म हो गया है, तो हम तवे को रखेंगे मीडियम हाई पे और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तवे पे। अब तवे पे ये रहेगा 5 मिनट तक मीडियम हाई पे, और फिर इसको हम 5 मिनट के बाद कर देंगे मीडियम लो, और 25 मिनट तक रखेंगे, 25 मिनट तक रखेंगे मीडियम लो पे। देखिए 5 मिनट हो गई है, अब हम इसको मीडियम लो कर देते हैं और कुछ भी वज़न रख देते हैं, ये मैंने नमक रख दिया है। तो चले अब मिलते हैं 25-30 मिनट्स में।
देखिए ऑल टुगेदर 40 मिनट्स हो गई है और खुशबू ख़तरनाक आ रही है। तो चले अब हम चूल्हा बंद करते हैं, ये अपना नमक हटाते हैं और इसको ले आते हैं यहाँ। इसकी ख़तरनाक खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती इतनी ख़तरनाक खुशबू है। देखा कैसे झटपट हमने ज़बरदस्त सा मसाला भूना, चिकन डाली, मैरिनेट किया और चावल बॉईल करके तह लगा दिया। ज़बरदस्त खुशबूदार चिकन हैदराबादी दम बिरयानी बन गई ख़तरनाक खुशबुओं के साथ। अब मुझे टेस्ट करना है और आपको बताना है कि ये एक्चुअली टेस्ट में कैसी है। चले तो ट्राई करती हूँ। देखें कैसी टेंडर है हमारी चिकन, ये देखें ज़बरदस्त सा, ये देखें चावल में भी इस कदर फ्लेवर है, मसाला भी बेहतरीन है, ख़तरनाक टेस्ट है। जबकि हमने ये मैरिनेट ज़्यादा नहीं किया था, अगर आप लोग 2-3 घंटे कर लेंगे या फिर ओवरनाइट कर लेंगे तो क़यामत ढाएगी। आप लोग ईद पे बनाएं, देखिए इजी भी इतनी है, धमाल मचा दें, सब खुश हो जाएंगे। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त और फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।